छठ व्रत करने वाली सारी माताओं बहनों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामना। आज मैं आपके लिए छठ व्रत स्पेशल नहाए खाए की थाली लेकर आई हूँ, जिसे कि लौकी भात की थाली बोलते हैं। और इसमें लौकी की सब्जी है, चने की दाल है, चावल है, सलाद है और रोटी है। तो सारी चीजें बिना लहसुन प्याज के बिल्कुल शुद्ध तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपके यहाँ यदि रोटी नहीं खाई जाती हो तो आप स्किप कर सकते हैं, हमारे यहाँ खाई जाती है, इसलिए मैंने इस थाली में रोटी भी रखा है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम चने की दाल बनाएंगे। तो चने की दाल को मैंने भिगो दिया है पानी में और कुकर में डाल लिया है। और अब इसमें डाल देंगे सेंधा नमक। तो आज के दिन देसी घी और सेंधा नमक में ही सारा खाना बनता है। तो मैंने इसमें व्रत वाला नमक डाला है, एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्दी दो बार बोलते हैं कि डालते हैं, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। और एक टमाटर है और तीन से चार हरी मिर्च है, जिसको कि इस तरीके से चॉप कर लिया है। और अब इसी कुकर में डाल देंगे इसको भी, ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। और अब इसे पांच सीटी लगवा लेंगे, पांच से छह सीटी में हमारी दाल बनकर रेडी हो जाएगी। और अब हम दाल बनकर रेडी हो गई है तो तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने एक चम्मच देसी घी लिया है, उसमें डाल दिया एक छोटा चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग मैंने इसमें डाला है। तो इस तरीके से दाल बनाना बहुत ही आसान होता है। और अब तड़का तैयार हो चुका है, तो इसे बहुत ही सावधानी से अपने कुकर वाली दाल में डाल लेंगे। ढक्कन के सहारे से डालेंगे, जैसे ढक्कन तुरंत बंद कर देंगे, नहीं तो इसके छींटे ऊपर तक आते हैं। और बस ये तड़का लग चुका है। तो अब इसमें फ्रेश कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। तो बहुत ही टेस्टी सी दाल बनकर हमारी झटपट से रेडी हो गई। और इसे दो तीन बार अच्छे से चला देंगे, ताकि दाल अच्छे से मिल जाए। तो अभी थोड़ी सी पतली लग रही है, लेकिन थोड़ी देर में ही ये गाढ़ी हो जाएगी। और अब इसे किसी बर्तन में खाली कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे खाली कर लिया है। और अब हम लौकी की सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लौकी ली है, लौकी को अच्छे से छील कर धोकर और छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में एक चम्मच देसी घी डाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे जीरा। तो एक छोटा चम्मच जीरा मैंने इसमें डाल दिया है। और आज सारा खाना देसी घी में ही बनने वाला है और सेंधा नमक के साथ ही, क्योंकि ये व्रत आज ही से शुरू हो जाता है। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च डाल दी है, दो से तीन हरी मिर्च है, जिसको बारीक काट के ले लिया है। और अब इसमें कटी हुई लौकी डाल देंगे। सारी चीजें चटकने लगी हैं, लौकी डाल देंगे। तो इस तरीके से लौकी की सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप चाहे तो चने की दाल के साथ भी, जैसे वैसे भी हम लोग बनाते हैं, जैसे चना की दाल और लौकी एक साथ में भी बना लेते हैं, उस तरीके से और झटपट से बन जाता है। लेकिन जब हम अलग लौकी की सब्जी बनाते हैं, वो भी अलग ही टेस्ट देता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ लौकी ढक्कन लगा के और इसे पकने देंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने इसे खोलकर एक बार चला लिया था और दोबारा मैं ये खोल रही हूँ, तो इसमें से पानी निकलने लगा है। तो एक बार अच्छे से चला देंगे और इसी तरीके से दबाते दबाते हुए और चलाते हुए हम इसे पकाएंगे, जब तक कि अच्छे से मैश ना हो जाए और सारा पानी सूख ना जाए। तो अब इसमें हम नमक डाल देते हैं। तो एक छोटा चम्मच मैंने नमक इसमें डाल दिया है। और बस इसमें और कुछ नहीं डालना है। और इसे ढक्कन लगा देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। और तब तक हम चावल अपना बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने चावल को धोकर और कुकर में डाल लिया है, आधे घंटे तक इसे मैंने भिगोकर रखा था। तो अब इसमें पानी डाल देंगे। तो एक कटोरी चावल में दो कटोरी पानी डाल के और इसे हम एक सीटी लगवा लेंगे। तो एक सीटी में चावल अच्छे से बनकर रेडी हो जाता है। और तब तक हम अपनी रोटी भी बना लेते हैं। तो यहाँ आटा मैंने गूंथ कर रेडी कर लिया था और अब इसे सेक लेंगे रोटी को। तो रोटी यदि आपके यहाँ खाई जाती हो
तो बनाइए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो खाई जाती है, हमारे यहाँ कोई ये नहीं है कि बस चावल ही खाएंगे, रोटी भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को परहेज भी होता है कि चावल नहीं खाना है, तो वो लोग लौकी की सब्जी और रोटी भी खा लेते हैं। थोड़ा सा बस चावल का नियम कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने इसे उलट पलट के रोटी को सेक लिया है। इस तरीके से सारी रोटी बना लेंगे और सब्जी भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल मैश हो चुकी है और सारा पानी सूख गया है, तो ये अब रेडी हो चुकी है और चावल भी बनकर रेडी है। चावल भी अच्छे से पक गया है, तो सारा खाना रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो थाली में मैंने सलाद काट के रख लिया है। अब डाला है लौकी की सब्जी, चने की दाल और साथ में ये चावल और दो रोटी भी रख लिया है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज लौकी भात की रेसिपी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय छठी मैया।